कर लिया, तुम तुरंत से ये वाला वीडियो को देखना और इसको एकदम हाईलाइटेड वे में दे दो। और मैं एकदम गारंटी दे रहा हूं तुम्हें बच्चों, जिस बच्चे ने इसको पूरा फॉलो किया मेंस तक, वो पक्का 99+ को टच करेगा, एकदम गारंटी है, लिखा लो। अभी तक क्या आया ना, ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी तुम्हारा क्या हालत है, कैसे हो, क्या कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी से भी तुम बहुत समय देखो, भगवान कितना समय दे रहे हैं यार तुम लोगों को, है प्रिपरेशन को लेके, उसके ऊपर पहले बात करेंगे थोड़ा। सुनो, प्रिपरेशन के लेके क्या बात है सर, कि अभी एग्जाम हो गया पोस्टपोन, तो तुम में से मैक्सिमम बच्चे क्या करोगे, घर में आराम से बैठ लोगे, सो जाओगे, एकदम से वो एनर्जी नहीं दिखाओगे जो पहले दिखा रहे थे। ये नेचुरल प्रोसेस है, हमारे जीन में भी ये चीज है, ठीक है ना, ब्लड में ही ये चीज है। तो अब मैं तुम्हें ये बात बता देता हूं, कुछ पुराना डेटा बताता हूं। बहुत सारा बच्चा जो पिछले साल था और वो जो सेकेंड अटेम्प्ट के बाद, जो फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद जो बहुत सारा गैप हो गया था प्रिपरेशन में, उसके बाद जो अटेम्प्ट आया उसमें बहुत सारे बच्चे जो फर्स्ट अटेम्प्ट पे अच्छा किया था वो सब खराब हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। सबका मतलब मैक्सिमम का रिजल्ट ना खराब हुआ। क्यों जानते हो? क्योंकि ये जो लंबा सा गैप मिला ना, बच्चे उसमें प्रॉपर तैयारी ही नहीं किया उनको, वो क्योंकि रेगुलर टीचर्स के कनेक्शन में आया नहीं वो, है ना। अब रेगुलर टीचर के कनेक्शन में नहीं आया तो क्या हुआ, उसके बाद उसमें वो एनर्जी नहीं रही। हर एक दिन जितना इंटेंसिटी के साथ पढ़ाई कर रहा था वो थोड़ा थोड़ा कम हो गया लगा। तो अब क्या करेंगे सर इसके लिए? तो तुम्हें अब एक प्रॉपर शेड्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब तुम अगर 20 घंटा नहीं पढ़ रहे हो इट्स ओके, चलेगा। तुम 18 घंटा नहीं पढ़ोगे चलेगा, लेकिन तुम 8 आवर्स पर डे नहीं पढ़ोगे वो नहीं चलेगा यार। अब तुम्हारा जो पढ़ाई है ना वो इस बात पे निर्भर करता है कि तुम डेली पढ़ते हो या नहीं, है ना। तो सुनना बात को ध्यान से, अब का पढ़ाई तुम्हारा इस बात पे डिपेंड करेगा बेटा कि कौन डेली पढ़ाई किया था। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितना आवर्स पढ़ाई किया था, तुम्हें अब डेली पढ़ाई करना है, डेली। और डेली कौन कौन सा? डेली फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी और मैथ्स भी। तुम भले 3 ही घंटा पढ़ो, 3 आवर्स ही पढ़ो, 2 आवर्स ही सेल्फ स्टडी करो, है ना। तुम्हारा लगभग लगभग सबका कोर्स कंप्लीट ही हो गया है। मेरा तो थोड़ा कोविड में थोड़ा 0.25-0.26 डेज तक मैं बीमार पड़ गया था, इसीलिए तुम्हारा अभी फिजिक्स का थोड़ा ग्रेविटेशन से आगे बचा हुआ है ना। तो अभी उसी बच्चा का सिलेक्शन अब होगा, ध्यान से सुनना, और वो बच्चा 99+ percentile तक जा सकता है यदि बच्चा अभी से डेली पढ़ाई करे, डेली करे, बहुत नहीं करे लेकिन डेली करे बेटा। और डेली क्या? फिजिक्स। सुनना, जो जो मैं बोल रहा हूं ना वो बिल्कुल बेटा एक्सपीरियंस ही है जो बता रहा हूं मैं, मैंने देखा है हर एक साल बच्चों को, उसी को बताने की कोशिश कर रहा हूं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, ये तीनों डेली पढ़ाई करने हैं, डेली। अब तुम डेली 2-2 आवर्स ही पढ़ो, है ना। तो 2-2 आवर्स ही पढ़ो, अगर मान लो 2 आवर्स तुमने मैथ्स फिजिक्स पढ़ लिया, 2 आवर्स केमिस्ट्री पढ़ लिया, 2 आवर्स मैथ्स पढ़ लिया। और ये पढ़ाई की बात मतलब सेल्फ स्टडी, ये क्या है? सेल्फ स्टडी। अब जो मैं बता रहा हूं, अगर तुम्हें इस बार भी, पंकज सर के बारे में बताएंगे, सर का थोड़ा तबीयत खराब था, अभी ठीक हो गए हैं लगभग, लेकिन अभी वीकनेस वगैरह बहुत ज्यादा है, तो वेरी सून सर भी आ जाएंगे। पांडे सर का भी मतलब पीडब्ल्यू के आधे टीम का तबीयत खराब है बेटा अभी तो, लेकिन सारे लोग किसी न किसी तरीके से अभी भी तुम्हारे लिए सोच ही रहे हैं और बहुत जल्दी तुम्हारे सामने भी आ जाएंगे सारे लोग, है ना। चलिए इधर थोड़ा सा बात करने दीजिए मुझे सबसे पहले। तो अब का जो मेंस का अटेम्प्ट है उसमें सबसे बेस्ट वो बच्चा करेगा जो डेली पढ़ाई करेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की पढ़ाई करेगा, 2-2 आवर्स की सेल्फ स्टडी करेगा, प्लस इन सब में एडिशन और क्या है सर, वो एक फुल सिलेबस टेस्ट जरूर देगा, फुल सिलेबस टेस्ट। ये जो भी बच्चा फॉलो कर लिया अभी से, कब तक? जब तक तुम्हारा मेंस ना हो जाए। अभी मेंस अभी हो गया तो अभी हो जाएगा,
मई में हो जाएगा तो मई में हो जाएगा, जून में होगा जून में होगा। तो अब बेटा ये जो चीज मैं बोल रहा हूं कि फुल सिलेबस टेस्ट देना है, वो वीक में एक तो देना ही देना है, वीकली एक टेस्ट देना है सर, और मंथली कम से कम 3 टेस्ट देना है। अब मैं बात करता हूं टेस्ट स्ट्रेटजी के ऊपर, सुनना बात को। जिस दिन भी तुम्हें लगे कि तुम थोड़ा सा लेस एनर्जेटिक हो गए हो, जिस दिन भी तुम्हें यह लगे कि यार अब मैंने दो एक दिन पढ़ाई खराब कर लिया, तुम तुरंत से यह वाला वीडियो को देखना और इसको एकदम हाईलाइटेड वे में दे दो। और मैं एकदम गारंटी दे रहा हूं तुम्हें बच्चों, जिस बच्चे ने इसको पूरा फॉलो किया मेंस तक, वो पक्का 99+ को टच करेगा, एकदम गारंटी है, लिखा लो। अभी तक क्या आया ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी तुम्हारा क्या हालत है, कैसे हो, क्या कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी से भी तुम बहुत समय, देखो भगवान कितना समय दे रहे हैं यार तुम लोगों को। भले ये कोरोना दूसरे के लिए बहुत ही ज्यादा खराब है, हमारे लिए, तुम्हारे लिए, सबके लिए, लेकिन तुम्हारे करियर में जिसने अभी तक अपना पूरा तरीके से 100% पे नहीं किया था, उसके लिए ये वरदान है कोरोना, मान ले भाई, सही बता रहा हूं मैं, उसके लिए वरदान है। क्यों? क्योंकि उसको इतना एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मिल रहा है यार। अभी भी तुम्हारे पास समय है, तुम अपना चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान देना शुरू करो, भूल जाओ कि दुनिया में कुछ हो रहा है, कोविड हो रहा है, एंजॉय करो, आप अपने पढ़ाई को एंजॉय।